हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं गीता। फ्रेंड्स, हमें ना ये प्रकृति है जो बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि हमें ये पेड़ सिखाते हैं कि ये धूप छाव में खड़े रहते हैं, लेकिन जब इनमें फल लगते हैं ना, उन्हें ये खुद यूज नहीं करके हमें दे देते हैं। इनकी छाया इसे भी हम ही लेते हैं, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी इंसान है, अगर वो कुछ करता है ना तो वो सिर्फ अपने लिए करता है, ना कि किसी और के लिए। चाहे उसके सामने ऐसे कोई होता है जो दूसरों की हेल्प करता है। और फ्रेंड्स, आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं बाज का। बाज के 5 पॉइंट आप अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे ना, तो आपको कभी भी ना कोई दुख आएगा और ना कोई मुसीबत आएगी, सबसे आगे निकल जाओगे। बाज क्या करता है, उसका लक्ष्य होता है अपने शिकार पे। वो दूर से ही शिकार को देख लेता है और फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी आए, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में चाहे कितनी मुसीबतें आए, जो हम ठान लेना उसे पूरा करके छोड़ना है, बस ये सोच लो। बाकी आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरा पॉइंट है कि वो कभी सड़ा गला मांस नहीं खाता, हमेशा ताज़ा मांस खाता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने वर्तमान को छोड़ना पड़ेगा। हमारे भूतकाल में जो भी हमारे साथ हुआ उसे भूल जाओ, वर्तमान में जीना सीखो। फ्रेंड्स, हमें अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा और फ्यूचर में जीना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान अपने पास्ट को नहीं भूलता ना, अपने भूतकाल को नहीं भूलता, वो कभी अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकता। अरे जो खो गया उसे खोने दो, क्या करना रोके निया, कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ जो हुआ, लेकिन अब जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर हम भूतकाल में रहेंगे ना तो वहीं पड़े रह जाएंगे, ना हम कोई सुख देख पाएंगे ना कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जो हो गया उसे होने दो। और बाज क्या करता है, अपने बच्चों का जो घोंसला होता है ना, उसमें से कोमल घास को निकाल के फेंक देता है। वो अपने बच्चों को कम्फर्ट जोन में नहीं रखता। और हम इंसान क्या करते हैं कि हाँ, हमें तो आराम चाहिए, बिस्तर चाहिए और अपने घर से बाहर नहीं जाना, सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ना। जो इंसान अपनी सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ता, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, अगर कुछ करना है ना तो मुसीबतें तो देखनी पड़ेंगी, घर तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए, और बाद जब आंधी तूफान आता है ना, तो आंधी तूफान में वो और खुश होके निया और ऊँचाई पर उड़ता है। जितनी जितनी उसके पास में आंधी तूफान आते हैं, वो उतना ही ऊंचा उड़ता जाता है और इतना ऊंचा उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसी तरह हमें भी हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, कितने ही दुख आए, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। दुख हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए कि क्या गलती हुई, क्या किया, ना कि उन्हें देख के ना रोने लग जाएं और बैठ जाएं। फ्रेंड्स, बाज हमेशा अकेले उड़ता है, किसी पक्षी के साथ में नहीं उड़ता, वो हमेशा अकेले उड़ता है। और जो इस दुनिया में आया है ना कुछ करने के लिए, वो अकेला ही चलेगा, क्योंकि जो भीड़ में शामिल होकर चलता है ना, जैसे दुनिया करिए वैसा हम करेंगे, तो वो कभी भी ये लिखवा लो मेरे से, वो कभी उसका नाम नहीं हो सकता। भीड़ से अलग चलो, दिमाग सबको दिया है, बुद्धि सबको दिए, सपने सबको दिए, तो देखो सोचो हमारे क्या सपने हैं, हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, बाज की तरह बनो। और फ्रेंड्स, कभी तोता मत बनो, बाज बनो, क्योंकि तोता ना बोलता ज़्यादा है और करता कम है। उसी तरह से हमें ऐसे इंसानों के साथ नहीं रहना चाहिए जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञान मिले। तो फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी सीख दें, लेकिन जो गलत बातें सिखाएं, गलत सीख दें, ऐसे इंसानों से दूर रहो। ज़िंदगी आपकी है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मिलता है, तो इसे क्यों ना इंजॉय करें। अरे हम भी तो इस दुनिया, देखो हम बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो क्या ऐसे ही उनका नाम हो गया, आप ही बताओ, ऐसे ही वो नाम कर गए दुनिया में। सोचो जरा, उन्होंने कितने दुख देखे, कितनी मुसीबतें देखी। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ले लो,
उनके जितना आज तक भारत में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। 37 डिग्रियां ली थी उन्होंने, बता दो कोई हो तो। लेकिन उन्होंने कितनी मुसीबतें देखी थी, जबकि वो तो एक गरीब परिवार से थे और उस टाइम में पढ़ाई को इतनी अहमियत भी नहीं देते थे। लेकिन उनका एक टारगेट था कि मुझे इस दुनिया को एक करना, इस समाज को, इस भारत को, जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब मिटाने। उन्होंने अपने दिमाग में यही बात बिठा रखी थी कि मैं भारत को एक कर दूंगा। और फ्रेंड्स, फिर उन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा। आज तक हमारे भारत के संविधान के जैसा दुनिया में किसी का संविधान नहीं है, जैसा हमारे बाबा साहेब लिख के गए। अगर बाबा साहेब संविधान नहीं लिखते ना, तो हमारा देश कितनी बार गुलाम हो जाता, कौन बचाता? फिर कहते हैं कि उसने किया, उसने, हमारे इतिहास को खोल के देख लो, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उन्हीं की वाहवाही लिखी हुई है। अकबर, वो और कौन था, शेर शाह, सूरीमल, ऐसे ही कुछ। इन्होंने क्या करा था, अकबर ने क्या करा था, वो हमारे भारत का था नहीं था, लेकिन उसका इतिहास हम पढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया उनका नाम तक नहीं है, ये क्या है? फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और सोचना ज़रूर, ज़िंदगी आपको जीनी है, कुछ कर दो। फ्रेंड्स, अगर मेरे को ज़रा सा भी प्यार करते हो ना, तो आज से ही अपने सपने बुनने शुरू करो और कॉपी पे लिख दो कि मुझे ये चाहिए, वो मिलेगा आपको। मेरे पे बिलीव करो, विश्वास करो, आपको ज़रूर मिलेगा। आप उसे लिख दो, ये मत सोचो कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, उस सपने को जीना सीखो। जो भी आपको चाहिए ना, उसके सपने देखो, उसे जगाओ, वो ज़रूर मिलेगा आपको, ये मेरा पक्का विश्वास है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।